कैसे बस एक छोटी सी टाइपिंग गलती की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और कैसे एक आदमी ने सिर्फ 800 रुपए के लालच में 70,000 करोड़ गंवा लिए, और कैसे थोड़ी देर फोन चार्ज करने से एक आदमी का घर जल के राख हो गया। ऐसे ही और भी महंगी गलतियां जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 7, एक आदमी का घर रात में फोन चार्ज करने की वजह से पूरा घर जल गया। दरअसल उस आदमी ने पूरी रात के लिए फोन चार्ज पर रखा था, और इनका फोन आज के जनरेशन जितना स्मार्ट नहीं था, जिसके चलते उसका फोन टूट गया और उसमें से आग की चिंगारी निकली, जो कि सीधा चार्जर से होते हुए मेन लाइट सोर्स तक पहुंच गई, और उसके घर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, और ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा भयानक साबित हुआ। नंबर 6, हॉलीवुड मूवी के एक सीन में एक एक्टर एक गिटार को पिलर पे ऐसे मार देता है। उसको लगा कि ये मूवी में यूज करने के लिए एक फेक गिटार होगा, पर ये असल में एक म्यूजियम का गिटार था जो सिर्फ शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था, और ये 140 साल पुराना था और इसकी कीमत करोड़ों में थी, और फिल्म डायरेक्टर उस एक्टर को बताना भूल गया कि ये तोड़े जाने वाला गिटार नकली नहीं है। नंबर 5, क्या आपको पता है एक हादसे की वजह से हिटलर उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक सोल्जर ने एक कमजोर और जख्मी दिख रहे सोल्जर को जिंदा छोड़ दिया था। इसके पास पूरा मौका था उस पर गोली चलाने का, लेकिन इसने उसे नहीं मारा, और एक घायल सैनिक था अडोल्फ हिटलर। और इस लड़ाई में जिंदा बचने के बाद ही हिटलर ने जर्मनी में एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाई और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू की। इस लड़ाई में सब मिला के खरबों रुपए का नुकसान हुआ, और साथ में इसमें करीब 85 मिलियन लोगों की मौत हुई। इसीलिए इसे इतिहास का सबसे खराब मिस्टेक कहा जाता है। नंबर 4, एक बार एक हंटर जंगल में खो गया और फिर रात हो गई, और रात को सेफ रहने के लिए उसने आग जलाई, लेकिन वो आग उसने एक सूखे पेड़ के साइड में लगाई थी। सुबह तक वो आग जलती रही और ये आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन इसने आग बुझाई ही नहीं, जिसके बाद वहाँ आग लग गई, और यही वजह थी दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट फायर की। इस आग की फायर को शांत करने में करोड़ों रुपए का खर्च हुआ, और इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह कर दी, और ये सब साल 2003 में हुआ था। सोचिए बस एक आदमी के भूल से क्या क्या हो सकता है। नंबर 3, इस आदमी ने बस $800 के लिए 74,000 करोड़ कमा लिए, पर वो कैसे? एप्पल के 2 फाउंडर थे, लेकिन एप्पल के एक थर्ड फाउंडर भी थे, जिनका नाम था रोनाल्ड वेन, और ये भी एप्पल के 10% शेयर के मालिक थे। पर सिर्फ 12 दिनों बाद इन्होंने इस शेयर को स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त को बेच दिया, और इनसे $800 ले लिए, और ये बहुत खुश हो गए। पर शायद इनको ये पता नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती थी। आज ये 74 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक होते, और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी आ सकते थे। नंबर 2, क्या आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी ब्लास्ट एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने सरेंडर कर लिया था, लेकिन जापान सरेंडर करने के लिए मान ही नहीं रहा था। तो फिर जापान को सब कंट्रीज फोर्स करने लगे कि तुम भी सरेंडर कर दो। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा मोकुसात्सु। इस वर्ड के जापान में कई अलग अलग मतलब होते हैं, उनमें से एक का मतलब है कि हम सोचेंगे, लेकिन ट्रांसलेटर ने इसका अलग ही मतलब लिख दिया, और फिर हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया। एक छोटे सी समझने की भूल की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो नॉर्मली भी इसका जवाब दे सकते थे कोई और वर्ड में। नंबर 1, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टेक है। क्वाकर नाम की एक कंपनी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, और तभी मार्केट में एक नई कंपनी आई जिसका नाम था स्नैपल। ये कंपनी जूस की कंपनी थी, और इसके शुरुआती साल में इसने काफी अच्छी कमाई की थी, जिसके बाद क्वाकर ने देख के इस पे इन्वेस्ट करने का सोचा, पर इन्वेस्ट करने की जगह इसने उसे डायरेक्ट खरीद लिया। क्वाकर ने इस नई कंपनी को 12,000 करोड़ में खरीदा। इस कंपनी का अब तक मार्केट में कोई नाम भी नहीं था, और फिर ये कंपनी चलना बंद हो गई। इसके 2 साल बाद इस कंपनी को क्वाकर ने 2,000 करोड़ में बेच दिया, लेकिन फिर भी इनको 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया। वीडियो खत्म होने से पहले आपको पता होगा कि इंडिया में ओमिक्रॉन धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, तो इसीलिए आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और कोविड के सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।